खोल दीजिए। सफर इसलिए और भी यादगार हो गया कि कोइंसिडेंटली हम भी गए और 370 और 35 भी अच्छा बिट्टू बाबू विनय जी इधर देखिए। हाँ कंटिन्यू 2 जून को निकला। अरे सपना साकार कर। जरूर कैसा रहा ये पूरा आपका सफर? ये सफर तो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही एक अधूरा सपना था। छोटे शहर में रहते हैं तो एक मिशन लेके निकला था कि राइजिंग झारखंड, तो वो सपना मैं उधर जाके ख़त्म किया। बहुत अच्छा लगा जब मैं मतलब 12:30 बजे रीच किया उस दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ जहाँ से मैं गया हर एक चीज़ मेरा डायरी में नोट करता गया, किस दिन कहाँ किधर रुके, किससे मिले, कहाँ गए, सब कुछ। और मैं 6 जुलाई को पहुँचा था और लद्दाख की जो DC है मैडम अभिन्न लभासा, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और मैं 6 जुलाई आपका था शनिचर और 7 जुलाई था रविवार। 8 जुलाई को मुझे DC ऑफिस जाते ही परमिट मिल गया और 10 डेज का परमिट मिला, 8 to up to 18। और उसके बाद मैं वहाँ पे खरदुंगला टॉप पहला मेरा टारगेट था, वहाँ गया। दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि है 18,380 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड में, तो वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद वहाँ से मैं वापस लद्दाख नहीं आया, चला गया मैं तुरतुक। तुरतुक बोले तो एक्चुअली हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस में गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता कि इंडिया बोले तो कन्याकुमारी टू कश्मीर, जबकि ऐसा नहीं है। कन्याकुमारी टू लेह लद्दाख, हमारा इंडिया उतना बड़ा है। और इंडिया का लास्ट जो गांव है वो है आपका तुरतुक, इंडिया का लास्ट गांव जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने है। मैं वहां तक गया क्योंकि मेरे पास DC का परमिशन था, इसलिए मुझे कहीं ITBP या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले कहीं रोके नहीं। और फिर सियाचिन जो बॉर्डर है अपना, बॉर्डर नहीं सियाचिन जो बेस कैंप है इंडियन आर्मी का, उसके क्रॉस करके बाद भी और एक बेस कैंप है जो कि लास्ट है, वो है आपका K2। वहाँ तक मैं गया, फिर वहाँ से मैं नीचे आया तो K2 इंडियन आर्मी का लास्ट बेस कैंप है। मैं फ़ोटो वगैरह सब तो लिया, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ ऐसे पाबंदी है जहाँ पर आप ऑनलाइन वीडियो नहीं कर सकते, तो मैंने इसीलिए अपना हेलमेट का देख सकते हो जो कैमरा है मैंने उसको निकाल दिया कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी इशू जो भी। ऐसा सपोर्ट मिला लोगों? सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिला मुझे। सबसे बढ़िया चीज़ एक बहुत अच्छी बात लगा, जब मैं कन्याकुमारी पहुँचा तो कन्याकुमारी देश का लास्ट एंड और वहाँ जो राउंड अबाउट है मतलब गोल चक्कर, वहाँ पर पहुँचते ही मेरा बाइक का गेटअप देखने से लोग समझ रहा कि कुछ खास उद्देश्य से निकला है। तो एक पुलिस वाले थे, साउथ पुलिस वाले, उन्होंने रोका, मैंने रुक गया मैं, तो मेरे को बोलता चलिए चाय पीने, मेरे को लेके गया चाय पिलाने, तो मैं पैसा देने लगा, बोलता नहीं मैं पैसा देगा, तो पुलिस वाले ने मुझे चाय पिला दिया। बहुत बढ़िया लगा। एक क्या मैसेज आपने लोगों को दिया? मैसेज यही दिया सबका कि देखिए झारखंड 2000 में बना, लेकिन अगर आज झारखंड अपने होशों में आ जाए, होश में कि हम अपना मिनरल नहीं देंगे किसी और स्टेट को, तो सारे स्टेट जो चमक रहे ना वो चमकना बंद हो जाए।